गोली मार दूंगा साला, कोई विधायक बन नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं टूटू कुमार मलिक और जैसा कि आप जानते हैं 2019 के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और इस वक्त हमें विधानसभा भरगोली में, जहां चुनावी नतीजे के बाद यहां के मशहूर नेता लोडू भैया अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके मामा जी। तो आइए उन्हीं से जानते हैं ऐसा क्या हुआ उनके भांजे के साथ। तो बताइए मामा जी, ऐसा क्या हुआ आपके भांजे के साथ जो वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं? क्या मैं टीवी में दिख रहा हूँ? अरे बिल्कुल, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है। अरे मामा जी, अभी क्या कर रहे हैं? हमें उस घटना के बारे में बताइए ना जिसकी वजह से लोडू भैया दिमागी संतुलन खो चुके हैं। बिल्कुल शक्ति कपूर लग रहा हूँ। अरे शक्ति कपूर छोड़िए, आप तो सतीश कौशिक लग रहे हैं। अब ये बताइए, आपके भांजे पहले से ऐसे हैं या अभी हुए? नहीं नहीं, पहले कुछ ठीक था। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। ओ भांजे, ओ भांजे, मुबारक हो, मुबारक हो, मिल गया चुनाव चिन्ह, मिल गया टांग उठा के। बंदूक चल गई तेरे, बंदूक चल गई, बंदूक चल गई तेरे, बंदूक चल गई, बंदूक चल गई। ये हैं भैया जी उर्फ लोडू भैया, इस चुनाव की पार्टी नंबर वन। इन्होंने गुंडागर्दी से डायरेक्ट राजनीति में कदम रखा है। स्टॉप। मामा अब बर्दाश्त न हो रही, अरे भांजे ये देख कौवा। अरे तेरी बहन का मामा, अरे मामा ये भी कोई चुनाव चिन्ह है? कौवा क्यों, इसी में क्या वाले? अरे मामा हम बता रहे हैं, ये कौवा हमारी दुर्दशा खराब कर देगा, ससुर ये भी काला और हम भी काले। खूब जमेगा रंग भैया जी, जब मिल जाएंगे दो कौवे। अरे तेरी बहन का पकौड़ा, जब भी मुंह खोलेगा छेरे हगेगा। अरे भांजे शांत हो जा, शांत, हमने कुछ सोच समझ के चुनाव चिन्ह लिया है। अरे भांजे तूने वो कहावत तो सुनी होगी, काक चेष्टा पको ध्यानम, तेरी चलाकी किसी कौवे से कम नहीं है। और तेरे मामा का गणित कहता है कि जब दो कौवे मैदान में होतेंगे ना तो जीत पक्की टांग उठा के। अरे मामा जीत तो अपनी होगी, राजे राजे वरना घोड़ा बाजी। अरे भांजे इसको नीचे रख, बात बात पे कट्टा निकाल लेता है। चलो भी लौंडो, प्रचार की माफन करते हैं। इनसे मिलिए, यह है गांव की अम्मा जी, पार्टी नंबर दो। इन पे खुद के पति को मारने का आरोप है और अब लड़ रही हैं चुनाव 2019। हाय हाय, तुम्हें रख दूं लेस के जानवरो, हाथ पे हाथ धरे बैठे रही हो, तुम्हारा बाप भी हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे भैया। वो तो भला हो गांव वालों का जो तुम दुनिया में आ गए। देख तो सही, वो कल परसों का लोड़ू ठंड का लोड़ा पूरे गाँव में आखिरी गाइडे फिर तुम तो चूड़ी पहन के बैठा हराम जादो। क्या अम्मा हर बगा सुनाती रहती है, तुझे तो बस बहाना चाहिए सुनाने का। अरे नमाकुल तुम्हारा तुझे एक बात सुन ले लोंडे, अगर 2019 का इलेक्शन ही अम्मा हार गई तेरी टांगों की नगाली बना दूंगी। और उस नगाली का हुक्का ही अम्मा जी पिएगी। अम्मा आज तेरे लोंडे ने मार ली। अरे किसकी मार ली हराम जाजे? अरे अम्मा बाजी मार ली, ये देख चुनाव चिन्ह। अरे नमाकुल करा है ये चुनाव चिन्ह है तो वो तो हमें भी दिखाई दे रहा, जिस उम्र में अपनी अम्मा को इस पे खड़ा करेगा तू? अम्मा अच्छा खासा चुनाव चिन्ह तो है बनाना, और क्या लेगी? अरे तुझे रख दू लेस के जवान बड़े, तेरे को बनाना बता रहा बनाना। जीतेगा वही जीतेगा, जीतेगा जीतेगा वही जीतेगा, जीतेगा जीतेगा। कौन बोला, किसने बोला? सबके साथ दुआरे नारे लगाओ। अरे जीतेगा वही जीतेगा, अरे जीतेगा वही जीतेगा, अरे जीतेगा वही जीतेगा। बहन चोद गद्दार, भैया मेरे मुंह से निकल गई। बेटे अभी तो जना कहां कहां से निकलेगी? नारे जीतेगा वही जीतेगा, लड़ू भैया जीतेगा, जीतेगा वही जीतेगा, लड़ू भैया जीतेगा, जीतेगा वही जीतेगा, लड़ू भैया जीतेगा। एंड चोद सारे सारे मुकाली बकरियां हैं। वोट मार लिया, अब और ऐसा युवा ना अब पार्टी चेंज कर लूंगा मैं। चोद गादे गंडिया रिया,
इसे तो इलेक्शन के बाद खाऊंगा मैं। भाई मल्लू तू तो बुरा मान गया, एक तू ही है जिसे मैं अपना मानता हूँ। विधायक बनते ही पिए तू जीतेगा भाई जीतेगा और ये हैं भले राम, नाम से भले और काम में भी भले। पार्टी नंबर 3। आप इंसान नहीं देवता हो, भगवान आपका भला करे। अरे नहीं काका जी, मुझे इंसान ही बना रहने दीजिए। अगर मैं आपके और इस गांव के काम आ सका ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली की बात होगी। हल्लो भैया, गरीबों में कंबल बांटे जा रहे हैं नी? भैया थोड़े ठंड में बांट लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। भाई काका वोट किसे जा रहा? आपके सिवा और किसे जाएगा माई बाप? ये बात भैया भल्लू, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जीतेगा भाई जीतेगा, लड़ू भैया जीतेगा। भांजे आज बड़ा खर्चा हो गया, ससुर गांव वाले 1,00,000 का मुर्गा उठे अड़के टांग उठा के ये सिखा रहे थे जैसे भूखे कुत्ते। कोई बात नहीं है मामा, एक बार विधायक बनने दो, गांव वालों की बॉडी में से लेग पीस निकाल लूंगा। और एक काम करो, सुबह को दारू का लंगर लुटा दो, वो भी ठर्रा। भैया जी मैं क्या दारू अंग्रेजी मंगवा लेते, वो क्या है ना बहती गंगा में तनिक हम भी हाथ मार लेते। तेरा बड़ा लेना भूल लिया है, चल मंगवा ले। भैया कितनी करेटे मंगवाऊं? अबे करेटे ना, हट्टी खुलवा दे हट्टी। अरे भांजे सोच समझ के बर्बादी कर। अरे मामा ये बर्बादी ना इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इसे कहते हैं राजनीति। कब आ गया ये ड्रम लेके? अम्मा जी बाहर दारू बैठ रही है, लोड़ू भैया बांट रहे हैं। इनके लोड़े तुझे मैं बताऊंगी, आराम की मिली चले ड्रम लेके। रुक जा फड़वे, तुझे मैं बताऊंगी। अरे अम्मा क्यों मार रही है इन बेजवान जानवरों को, इन्हें हमने ही तो भेजा है दारू लेने के लिए। बिल्कुल सही बोल रहा है छोटा, दारू लोड़ू की और पिलाएंगे हम गाँव वालों को, खर्चा लोड़ू का और वोट हमारे। कैसी लगी अपनी चलाकी? ए, मेरे बच्चों चलाकी में तो कतई अपने चुम्मन जैसे को गयो। अरे जीतेगी भाई जीतेगी, अपनी अम्मा जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, अपनी अम्मा जीतेगी। नाम है भैया जी, भैया जी आज तो आपका गांव में लट खड़ा हो गया। क्या खड़ा हो गया? लट डंडा डंडा, पूरे गांव वाले ड्रम भर भर के दारू लेके। अरे भांजे गद्दारी हो गई, गद्दारी, अरे गद्दारी हो गई हमारे साथ। वो साली बुढ़िया औरत और उसके दोनों सपोले बड़े हरामी निकले टांग उठा के। अरे हम तो शराब ले जाके पूरे गांव वालों को पिला दी और अपना नाम करा। बस मामा बस, बहुत हो गया। देखना कल की महासभा में बुढ़िया इन कंपनी का सुपड़ा साफ न कर दिया तो मेरा नाम भी बहनकर लोड़ू भैया नहीं, जीतेगा भाई जीतेगा, लोड़ू भैया जीतेगा। चुप कर। और मामा बात रे भले राम की, तो वो ससुर ना 3 में ना 13 में। भैया जी सामने वाले को इतना कमजोर मत समझो, कभी बातों बातों में गांड साथ दो बैठो। हरजोत गद्दार, गड़ासे से गड़ काटेंगे बेटे तुम्हारी भी। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, लोड़ू भैया जीतेगा। अरे भांजे तू सब ठीक कर लेगा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। ये बात नाम है भैया जी, मेरा कद्दू जीतेगा।